तो दोस्तों इस वीडियो में एंडलेस क्वेस यानी कि जो कि एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कैसे अपना कंप्यूटर इंस्टॉल कर सकते हो यह दिखाएं। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देख लेना, अगर स्किप कर जाओगे तो हो सकता है ये जो प्रोसेस है आपके साथ ना हो पाए, इसके अलावा आपका कंप्यूटर में कोई दूसरा और एरर आ जाए, इसीलिए इस वीडियो को स्किप करना बिल्कुल भी नहीं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल करने जा रहा हूँ दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हर एक ड्राइवर आपको अच्छे से वर्क करने को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रिंटर बोलिए, इंटरनेट बोलिए, वाईफाई बोलिए, ब्लूटूथ बोलिए, हर एक चीज सही से वर्क करेगा। स्पेशली ये लो एंड पीसी के लिए ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एकदम रामबाण जैसा वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, मीडिया प्लेयर देखने को मिल जाएगा, वीडियो एडिटर देखने को मिल जाएगा, हर एक एप्लीकेशन जो विंडोज में या डेली लाइफ यूजेस में कंप्यूटर में जरूरत पड़ता रहता है। बाकी यार इसमें आप गेमिंग भी कर सकोगे स्टीम के द्वारा, आप स्टीम कैसे लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं वो वाला वीडियो भी मैं बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। बाकी यार इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रिव्यू, फुल रिव्यू मैंने बना के रखा हुआ है, उस रिव्यू को अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे दिया हुआ है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए आपका सी ड्राइव में मिनिमम 50 GB जगह खाली होना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना डायरेक्टली आपका सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। घबराइए मत, यहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे डिलीट नहीं होगा या फॉर्मेट भी नहीं होगा अलॉन्ग साइड, यानी कि ये डुअल बूट में इंस्टॉल होगा आपका कंप्यूटर में। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कोई भी एक ब्राउजर का ओपन कर लो, ओपन करने के बाद आपको जाना है endlessos.com इस वेबसाइट के ऊपर, फिर आपको थोड़ा सा नीचे आपको डाउनलोड बटन दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस पेज में आप जब आ जाओगे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको इंतजार करना है और ये डाउनलोड में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। अब जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा आपको ओपन फाइल पे क्लिक करना है या पे यस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों इस वाले स्क्रीन पे आपको इंस्टॉल एंडलेस पे क्लिक करना है, फिर इस वाले स्क्रीन पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप बेसिक वाला डाउनलोड करोगे या फुल वाला डाउनलोड करोगे। तो बेसिक वाला का डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे 2.6 GB होगा, अगर फुल वाला डाउनलोड करोगे तो इसमें 16.8 GB डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। अगर फुल वाला डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको 100 एप्स देखने को मिलेगा, इसके अलावा प्रीलोडेड बहुत कुछ एप्स मिलेगा, लेकिन आप एंडलेसोस बेसिक पे जाओ तो इसके बाद आपको क्या होगा कि ड्राइवर वगैरह आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड बेसिक वर्जन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको ये दिखाएगा रिकमेंडेड 16 GB, तो यहाँ पे आप 32 GB या 41 GB मैक्सिमम वो अपना ड्राइव के हिसाब से शो करेगा, तो यहाँ पे मैं 32 GB सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जब तक डाउनलोड होगा आपको इंतजार करना है। अब जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा ये वेरीफाई होगा, यहाँ पे भी आपको इंतजार करना है जब तक 100% नहीं होता है, फिर इसके बाद इंस्टॉल होगा, जब तक इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता है तब भी आपको इंतजार करना है। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है। अब आपको अपना कंप्यूटर को शट डाउन कर देना है। अब शट डाउन करने के बाद आपको अपना कंप्यूटर का बायोस मेनू को एक्सेस करना है। बायोस मेनू को कैसे एक्सेस करना है इसके लिए आप इस फोटो को रेफर में ले सकते हो, अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको भी फॉलो करके अपना कंप्यूटर का बायोस मेनू को एक्सेस कर सकते हो। अब बायोस मेनू में आने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका कंप्यूटर में अगर सिक्योर बूट इनेबल्ड है उसको आपको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आप अपना कंप्यूटर का बायोस मेनू से निकल जाओ, इसके बाद फिर से अपना कंप्यूटर को ऑन कर लो। अब जैसे रिस्टार्ट कर दोगे आपके सामने बूट मेनू कुछ इस तरीके का आएगा, आने के बाद आपको यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे विंडोज रन होगा, और एंडलेस सिलेक्ट करोगे तो एंडलेस ओएस स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना एंडलेस ओएस को सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे देखिए एंडलेस ओएस स्टार्ट हो चुका है। को यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको टाइपिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, फिर यस पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस इस जगह पे टिक होना चाहिए और यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे प्राइवेसी में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप चाहे तो ऑनलाइन अकाउंट में क्लिक कर सकते हो, मतलब गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट देकर लॉग इन कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर दो। फिर यहाँ पे आपको अपना कंप्यूटर का नाम डालना है और यहाँ पे आपका यूजर नेम ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा, सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना कंप्यूटर का पासवर्ड डालना है जो भी आप रखना चाहते हैं, सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको कंफर्म करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट यूजिंग एंडलेस ओएस, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, इस पे क्लिक करें। फाइनली दोस्तों एंडलेस ओएस आपका कंप्यूटर में सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से आप अपना कंप्यूटर में विंडोज और एंडलेस ओएस को डुअल बूट कर सकते हो। तो आपने अगर सही से सब कुछ किया होगा आपका कंप्यूटर में भी विंडोज और एंडलेस ओएस डुअल बूट सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज बिल्कुल लाइक कर दिया, लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर भी कर दिया। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपके साथ कोई दूसरा टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।